हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम जा रहे हैं शनि शिकनापुर। इस वीडियो में शनि शिकनापुर को कवर करेंगे और इसी में ही आपको दिखाएंगे ओल्ड शिरडी। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखना, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। शिरडी से जो डिस्टेंस है शनि शिकनापुर का वो है 72 किलोमीटर्स। डेढ़ घंटे के आसपास आपको जाने में लग जाएगा, डेढ़ घंटा आने में। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप शेयरिंग टैक्सी बुक कर सकते हो जिसका प्राइस है 200 रुपीज़ आना जाना पर पर्सन, या आप अपनी पर्सनल व्हीकल भी, कैब वगैरह भी बुक कर सकते हो। उसका प्राइस पड़ेगा 2200, जिसमें आप जितने भी बंदे जा सकते हो वो आपकी पर्सनल होगी। के बाहर ही आपको शॉप्स मिल जाएगी, प्रसाद वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पर आप प्रसाद चढ़ाते हैं। और यहाँ पे कुछ एरिया बने हैं, क्रेट रखी हुई है, उसमें आपको जो भी जैसे एरिया बना हुआ है उसमें प्रसाद डालेंगे। और आगे जो शनि महाराज के लिए लेके जाते हैं वो सिर्फ तेल की बोतल लेके जाते हैं वहाँ चढ़ाने के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अब हमने शनि शिकनापुर के दर्शन कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं वापस। पहले कोई रेस्टोरेंट में रुकेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद जाएंगे ओल्ड शिरडी। अभी हम रुके हैं यहाँ रेस्टोरेंट में, इतने में हमने ऑर्डर कर दिया। जब तक लंच आ रहा था तो हम यहाँ पे स्विंग्स लगे थे, स्विंग्स खा रहे थे। वहाँ पे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। सो रास्ते में आपको काफ़ी सारे ऐसे गन्ने के जूस के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं ओल्ड शिरडी। इसका नाम साई हेरिटेज विलेज भी है। पर पर्सन टिकट प्राइस है 150 रुपीज़ है। इसके अंदर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी है। सो चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बात कर लेते हैं डे टू की शिरडी में। हमने डे टू में रखा था शनि शिकनापुर, जिसमें एक ही मंदिर था और वो हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमारे पास टाइम बच गया था तो हम आगे थे ओल्ड शिरडी। ओल्ड शिरडी को एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए थे मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करने। तो आप एक दिन में ऐसा प्लान कर सकते हो कि शनि शिकनापुर के बाद ओल्ड शिरडी आ जाओ और उसके बाद अपने होटल वगैरह में चले जाओ, रेस्ट करके शाम को आप मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। शिरडी में मेन घूमने का वो है 3 डेज़ का। फर्स्ट डे आप सारा शिरडी एक्सप्लोर कर सकते हो, सेकंड डे आप शनि शिकनापुर जा सकते हो, और थर्ड डे त्रिमकेश्वर जाओगे।
त्रिमकेश्वर में आपको पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की। नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ आपको त्रिमकेश्वर मंदिर और उसके आसपास की डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। टिल देन। यहाँ पे कोकोनट का पेड़ भी लगा हुआ था। ये जो मैजिक शो था ये टिकट प्राइस में इंक्लूडेड था। ये जो बायोस्कोप था इसका प्राइस था 30 रुपीज़। इसमें आपको पिक्चर्स वगैरह दिख रही है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। पे काफ़ी सारे चीकू के पेड़ भी लगे हुए थे ये जैसे कि आप देख सकते हो। ये जिस केबल कार में हम जा रहे हैं इसका 50 रुपीज़ पर पर्सन प्राइस था। इस ये टिकट में इंक्लूडेड नहीं थी। अगर आपको ये राइड करनी है तो आपको इसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने थे 50 रुपीज़ पर पर्सन। जो सारे आपको पेड़ दिख रहे हैं ये सारे चीकू के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो आपको सामने ट्रेन वाली राइड दिख रही है इसका भी पर पर्सन प्राइस है 50 रुपीज़। ये भी टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको करनी है तो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े। ये जो गन से हम शूट कर रहे हैं बैलून को इसका प्राइस है 30 रुपीज़। ये भी टिकट में इंक्लूडेड नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस है इसके। अब जो ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है ये सारी टिकट में इंक्लूडेड है। आपने जितनी बारी करनी है कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी आपको आगे दिखाते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, टिकट में इंक्लूडेड है।
अब हम ओल्ड शिरडी से आने के बाद गए थे खंडोबा मंदिर। ये शिरडी में मेन मंदिर से थोड़ा सा ही दूर है, 1-2 किलोमीटर। आपको ऑटो मिल जाएगी, पैदल भी जा सकते हो। तो चलो अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आ गए थे मार्केट में डिनर करने के लिए। जो हमने पहली चीज़ ट्राई करी थी, ये पोटैटो ट्विस्टर ट्राई किया था। काफ़ी हमने वीडियोस वगैरह में देखा, तो मुझे दिखा तो मैंने ट्राई किया। इसका 100 रुपीज़ प्राइस था। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है और टेस्ट में बताते हैं कैसा है। तो अब ये बन के आ चुका है जी। इसके ऊपर लगा रखा था तंदूरी सॉस, टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, तो एक बारी ट्राई ज़रूर कर। तो ये जो सामने आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है, हम इसी पे आते थे खाने के लिए क्योंकि टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। तो अभी हम यहाँ से डिनर करेंगे। हमने अभी डिनर ऑर्डर कर दिया, यहाँ पर डोसा आ चुका है और हमने दाल वगैरह ऑर्डर करी है। चलो डिनर करते हैं और इसी वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। अगर ब्लॉग अच्छा लग देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और इससे अगली वीडियो में हम चलेंगे त्रिमकेश्वर मंदिर। तो चलो वीडियो को करते हैं ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।